हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर संदीप। तो आज आपके लाए हैं, एक ही बटन से हम लोग किसी भी लाइट, किसी भी फैन, किसी भी टीवी हो, चाहे जो कुछ भी हो, एक ही बटन से हम लोग ऑन कर सकते हैं और एक ही बटन से ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये जो बटन है वो बटन है पुश बटन, जो कि दबाने पर ऑन होगा, छोड़ देने पर ऑफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको करेंगे, एक बार दबाने पर ऑन हो जाएगा, दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ये सर्किट बनाएंगे। और ये जो सर्किट है वो बहुत ही सारे कमेंट में आया है कि एक ही बटन से किस प्रकार से ऑन ऑफ कर सकते हैं पुश बटन के माध्यम से। तो ये कोई आर्डिनो से हमने बनाया नहीं, सिर्फ कुछ कंपोनेंट के माध्यम से इसको बनाया है। बहुत ही इजी है, अगर आप एक बार देख लेंगे इसका सर्किट को, आप भी आसानी से घर पे बना सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय जेएलसी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी का भरोसा जेएलसी पीसीबी। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका पीसीबी। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो ये जो स्विच आप देख रहे हैं, इस पर दो कनेक्शन है। जब भी इस स्विच पे हम लोग दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है, मतलब इसको छोड़ देंगे तो भी ऑन रहेगा। तो जब भी बंद करेंगे तो ही ये बंद होगा। तो इस पर जो ऑन ऑफ का दो स्विच है, ठीक है, तो इस तरफ एक स्विच, इस तरफ एक स्विच, तो ऑन ऑफ होता है। लेकिन अगर हम लोगों को चाहिए एक ही पुश बटन से, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पुश बटन जो कि एक ही है, तो जब भी दबाते हैं तो ही इस पर वोल्टेज आते हैं, छोड़ देने पर वोल्टेज चला जाता है। लेकिन हम लोग इसी स्विच को, हम लोग इस तरह स्विच हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। जो कि दबा के छोड़ देने पर ये ऑन ही रहेगा, फिर से दबा के छोड़ देने पर ये ऑफ हो जाएगा। तो चलिए इस सर्किट को हम लोग बनाते हैं, वो भी देखते कुछ आसानी से हम लोग इसको बना के ट्राई करेंगे। अभी ये कंप्लीट हो गया है। मैंने इस पर जो रिले लगाया है वो हुआ 5 वोल्ट का रिले। तो इस पर हम लोग 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप जो कि 12 वोल्ट का रिले लगाए हैं तो 12 वोल्ट इस पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 वोल्ट का रिले 5 वोल्ट से चलेगा नहीं। तो अभी हम लोग इसको बना के कंप्लीट कर दिया, अभी इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो अभी देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, इस पर मैंने दो वायर लगाया है। एक वायर जो कि इस पर वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, 5 वोल्ट से ये चलता है। और दूसरा वायर जो आप देख रहे हैं, ये वायर आप लोग लगा के स्विचिंग करेंगे, ठीक है, मतलब ये रिले के मदद से कोई भी हाई वोल्टेज को हम लोग स्विचिंग कर सकते हैं। तो रिले जितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा उतना ही हम लोग स्विचिंग करेंगे। और इस पर एक स्विच लगा दिया है जो कि पुश बटन है। तो पुश बटन को अगर दबाएंगे तो
इस रिले को काम करेगा और रिले के माध्यम से हम लोग स्विचिंग कर सकते हैं। और सेम पुश बटन पे अब फिर से दबाएंगे तो क्या होगा, जो कि रिले बंद हो जाएगा और इंडिकेट करेगा, इस एलईडी के मदद से हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो अभी देखिएगा, अभी मैं इसको बटन को दबा रहा हूँ तो ये ऑन हो गया है, देखा आपने। तो एक ही पुश बटन से जब भी दबाएंगे ऑन हो गया है, फिर से दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा, सेम पुश बटन से तो ये ऑफ हो गया है, फिर से दबाएंगे तो ये ऑन हो गया है, ठीक है। तो जब भी फिर से दबाएंगे ऑफ हो जाएगा, तो ऑफ हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है जो कि आप घर पे बना सकते हैं, एक ही पुश बटन की मदद से हम लोग स्विचिंग कर सकते हैं। देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक ही पुश बटन से हम लोग ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, ये सर्किट हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।